हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरा न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह सुबह पूरा हालत ही ख़राब हो गया है। थोड़ा दुखी दुखी हूँ। जो मेरा मुर्गी था वो तो पता नहीं कौन लेके गया है। एक्चुअली कल थोड़ा शाम ही हुआ था, थोड़ा थोड़ा वो ऐसे होता, देख पा रहा था या नहीं पा रहा था, ऐसे अंधेरा अंधेरा हो रहा था, धुंधला सा अंधेरा हो रहा था। तो वो ना एक्चुअली वो सब घर के ऊपर में यहाँ पे ही रहता है, तो मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकती हूँ। बितुल गया मेरा ससुराल में, उसका मम्मी पापा का घर पे गया। और मुर्गा है इसका अंदर में रखता है, जो टुकड़ी होता है ना उसका अंदर में ही रखता है। और जो लड़की वाला मुर्गी है वो घर का ऊपर में ही रहता है। तो मैंने उस तरफ से ही देख रहा था, उड़ के इधर आ गया था। और आने का बाद खांची इसको दौड़ा के उधर लेके गया, और मैंने दिखाया भी नहीं है कहाँ गया है। एक्चुअली ये लोहा का सीरी है ना, बहुत ज़्यादा पैर दर्द करता है। पैर वगैरह सरते समय, उतरते समय इतना ज़्यादा दर्द करता ना, मैं इसलिए अप डाउन नहीं करती हूँ। जैसे ही मैं उतर गई थी उसका बाद देखा नहीं है, पता नहीं कौन लेके गया है। पापा सुबह सुबह गया है, इस नीचे के साइड में गया है, और वहाँ पे जाने के बाद पूछा है। और पूछने का साथ साथ पापा बोल रहा है कि उसको मुर्गी किसी ने लेके गया, बोल रहा है वहाँ पे, आप यहाँ से ही पकड़ कर लेके गया होगा। तो वहाँ पे गया तो मम्मी पापा का सुपारी का बगल में घुस गया वो आदमी, हो रहा है तो वही लेके गया है। अभी तो बस मुर्गा ही है, और मुर्गा होने से भी पता नहीं इसको भी क्या करेंगे। चिल्ला रहा है ऐसे ऐसे करके, बेचारा मुर्गी खपचा चिल्ला रहा मैं करके, आई ना रहा है उसका मुर्गी नहीं। वो तो पता नहीं कौन खा के चला गया होगा ना, कहाँ से आएगा। थोड़ा बहुत दुख लगा था। हम दो मुर्गी का कितना आया था, 1200 रुपया। तो मामा ने बोला था 1200 मत दो, बस 1100 ही दे देना बोला था। तो मैंने 1100 दे दिया है, ऐसे फालतू में चला गया बिना खाए ऐसे ही। कोई बात नहीं ना, जो खाया उसको ही लगेगा, पा मुझे थोड़ी लगेगा ना। वैसे सुबह मूड खराब हो गया तो क्या हुआ ना दोस्तों, खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। तो अभी कौन सा वाला बना, बेमसूद बनाऊंगी, और क्या बोलता है इसको, बैंगन बनाऊंगी। बैंगन बैंगन ना धनिया भट्टा के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। देखो धनिया भट्टा मम्मी के घर से उतार के लेके आई हूँ अभी अभी। तो मम्मी कल लेके आया था बाजार से, तो वो किसी ने बेच नहीं पाया था, मतलब बारिश हो रहा था, इतना सारा धनिया पत्ता हो गया था ना, तो बिक्री नहीं हुआ था। तो पापा को भी फ्री में दे दिया है। तो कल लेके आया तो वहाँ से मैं उठा के लेके मम्मी का घर से, इतना ज़्यादा दे दिया था। तो ये खाऊंगी और ये खाऊंगी, ये भी कितना है, 4 तो ये है, 5 तो ये है, तो नहीं होगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा सब्जी। कोई बात नहीं, कुछ कुछ मिला लूंगी, या मैं तो मात्र बैगन सब कुछ तो है, ये सब मिला लूंगी। बस एक तो गाना है, लिट्टी सोका खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे। पता नहीं क्या है लिट्टी सोका, नजर फेमस। ओ किसी दिन हम भी जाएंगे ना, वो सब खा लेंगे लिट्टी सोका। ये बेचारा कितना चिल्ला रहा है। देखो हम लोग का नंदू आ रही है, कल जलेबी खाया था नंदू, जो हमने बनाया था ना, नंदू का मम्मी को, नंदू को बिचली को भेज दिया था। और नंदू जलेबी कैसा लगा, टेस्टी है, मीठा था, अच्छा लगा तुम्हें? जिलावा बनाया था ना, जलेबी नहीं बनाया था, वो जिलावा हो गया ना। हाँ हाँ बोल रहे, दो कटोरी दो के लेके आए ना कटोरी। जानते हो हम लोग का मुर्गी गायब हो गया नंदू, बस ये वाला है, चोरी हो गया मुर्गी। जीजू को देख रहा है क्या, टुकुर टुकुर? तो फिर किसको, जीजू को लाइन मार रहा है। गैस आज थोड़ा धूप निकल के आएगा, और मेरा घर का आंगन भी साफ कर पाऊंगी। और मेरा पतिदेव को बोलूंगी वहाँ पे दवाई मारने के लिए, बहुत दिन हो गया दवाई मारने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नहीं मार रहा है, बारिश दे रहा है ना इसलिए नहीं मार रहा है। तो आज धूप निकल के आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो दवाई मार सकेगा, क्योंकि मैं तो मार नहीं सकती हूँ ना, इसलिए बोलती हूँ। बॉयल कर रही हूँ बेम्बू सूट, और यहाँ पे बनाऊंगी बैंगन, और यहाँ पे दे रही है ड्राई फिश, नमक और मिर्ची डाला है। मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही डाल दिया है। बेमसूद को पहले मैं बॉयल करूँगी, उसके बाद बैगन का साथ बनाऊंगा, और करके ही बैगन बनाऊंगी। यहाँ पे दे दिया है तवा, हम लोग जो भी पानी देते हैं ना जूल को बोलते हैं तवा, हम लोग का भाषा से लैंग्वेज से तवा बोलते हैं हम लोग। बनाते बनाते गैस खत्म हो गया, गैस यहाँ पे ऐसा ही पानी रख दिया है,
और ये बेमुसूद बाहर निकल लिया है और यहाँ पे चावल वगैरह भी है देने के लिए। तो अभी मेरा पति देव को बोलूँगी मैं वो नया वाला लगाने के लिए ना। पति देव का नया डिज़ाइन देखो, इसको बोलता है लेता ना जरूरी है। जल रहा है यार इस साइड का भी। फाइनली गए, अभी धूप निकल के आ गया है, थोड़ी दिन में मैं कंबल वगैरह भी दे दूंगी। और यहाँ पे बस एक ही मुर्गी है तो इसको बेतुल ने दाना दे दिया है और यहाँ पे सो रहा है हम लोग का खांसी। देखो थोड़ी देर में ये लाट खाएगा, जा रहा है धीरे धीरे करके। मुर्गी और डॉगी का फाइट देख चुके हैं हम लोग और यहाँ पे खाना भी निकाल लिया है। और गाइस मैंने बैगन वाला साथ बनाने के लिए बोला था लेकिन मिर्चा पत्ता और बेमुसूद बना लिया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है। मेरा पति देव तो पूरा आराम से खा रहा, देखो ना वहाँ पे शोर की तरह खा रहा है। क्या क्या बोलते रहते हैं ना। नहा धो के पूरा रेडी गाइस और आज बहुत दिनों का धूप दे रहा है ना तो मैंने कपड़ा वगैरह भी धुलाया है और प्लस नहा भी लिया है, पूरा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और मेरा पतिदेव का चैनल ना इस तरह की लग गया, बेचारा पूरा दुखी दुखी है, यहाँ पे देख सकते हैं बेचारा का। समय में काफी फिल्डिंग है लेने के लिए, पैसा के लिए करना पड़ता है। हाँ, जितना जमा किया था उससे तो मोबाइल ले लिया है ना। और देखो दरवाजा बनाना बाकी है, सीढ़ी भी बनाना बाकी है और वो क्या बोलता है उसको डेक्सी वगैरह रखने के लिए वो भी बनाना वो भी बाकी है, वो भी बनाना है। बेचारा पूरा दुखी दुखी हो गया है, जितना जमा किया है हो जाएगा बस 15 दिन। हाँ उतना ही 15 दिन के, बाकी सब मेरा पेमेंट से ही, घर का राशन तो इतना नहीं खरीदना पड़ेगा ना, चावल वगैरह भी है बेचारा। लेकिन 15 दिन देखो ना, एक दिन में 500 हिसाब करने से भी कितना ज्यादा ना, 8000। अब देखो 8000 अगर किसी का मजदूरी करने जाएंगे तो इतना ज़रा तकलीफ होगा पूछो ही मत। तो जो हो गया सो हो गया, दुखी करने से भी नहीं। इसका आज तो इतना हंसी आ रहा मुझे, मुर्गी भी चला गया और इसका चैनल भी चला गया, दोनों चला गया। और मेरा चप्पल बेतुल का जूता इधर उधर फैला के पूरा रख देते हैं। तो अभी मैं इस तरफ बनाऊंगी जूता रखने के लिए, इसको काट के यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इस साइड में रखूंगी ये तोकटा को, हिस्सा काट के पूरा अच्छे से मैं यहाँ इस तरफ में जूता और चप्पल वगैरह भी रख दूंगी। छोटा को ज्यादा मैंने छोटा कर दिया है, पता नहीं किससे बनाऊंगी। अयो
देखो ना गाइस, पूरा हाथ में लग गया है। ओ यार, फाइनली गाइस यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है जूता रखने के लिए जगह। अभी जंजद ही खत्म हो गया, इस साइड रख दिया जूता चप्पल, अभी हो गया ये काम कंप्लीट। मैं ये भी अच्छे से झाड़ू मार पाऊंगी, इतना ज़रा दिक्कत हो जाता है ना। तो गाइस मैंने सालगुन का पौधा भी साफ कर दिया है और यहाँ पे आई है पिचली और नुंडू। एक्चुअली मैंने पिचली और नुंडू को बुलाया था कैमरामैन के लिए, जब वो बना रहा था ना चप्पल रखने वाला, जूता रखने वाला, तो कैमरामैन नहीं था ना, तो इसीलिए नुंडू और पिचली को मैंने बुला लिया है। नुंडू को देखो गाइस, इतना मिट्टी मिट्टी लगा हुआ है। नुंडू कुछ काम किया था, काम किया था या मिट्टी से खेला था, बताओ? खेला था और ये मेरा पतिदेव ने ला दिया है सिगुन साख ससुराल से, तो ये लगाऊंगी सिगुन साख। इतना इतना कट के लगाना पड़ेगा बोल रहा है, बस इतना कटने जाओगे, इतना इतना कटने जाओगे, छोटा छोटा कट कटने से टाइम तो लगेगा ना, तो बराबरा करके काट लेते हैं। बराबरा करके काट लेते हैं सिगुन साख, मैंने उस दिन बनाया था। एक्चुअली ये कुछ की तरह दिखता है ना, लेकिन कुछ नहीं है। ओए इतना लंबा नहीं ज्यादा है ना। हाँ हाँ, पत्र खा दिया, पत्र कहाँ है, नहीं है, यही है, और लेके जाने में दिक्कत आ रही है।
चल लगा, पहले तो इसको खत्म करना पड़ेगा। होगा पता नहीं क्या करके। भी अंदर में गाड़ दो, तरह नहीं। ओके देखो सिगोन चक लगाने के बाद फिर से बर्तन वगैरह साफ करी हूँ, पूरा रेस नहीं है। अभी तो पूरा रात हो गया है दोस्तों, आज मुझे हम लोग का नया घर में खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग का गैस है ना सिलेंडर, वो जो सिलेंडर के ऊपर बिताते हैं नॉल भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो असर ना पता नहीं क्या बोलते हैं, वही लीक होता है, साउंड करके आवाज़ करता है, तो मुझे डर लगता है खाना बनाने के लिए। तो बैतुल गया है मम्मी का घर पे चावल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे चावल वगैरह बना लेंगे और यहाँ पे बनाऊंगे चूल्हा पे। तो आगे नहीं जल रहा है, पता नहीं क्या हो गया आपको भी। तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं खाना और ये सब्जी वगैरह, और ये छोटा वाला बैत खाएंगे, और टमाटर अंडा बनाऊंगी। और अंडा तो मम्मी का घर में बॉयल करने के लिए भेज दिया मेरा छोटा भाई के हाथ में, वही बॉयल कर रहा है। तो ये वाला जो छोटा बैत होता है ना, ये बनाऊंगी। किसी ने मुझे बताया था आप लोग क्या लकड़ी लकड़ी करके खाते हैं, ऐसे बोला था, कमेंट किया था मतलब। तो एक्चुअली ये बैत है जो बड़ा बैत होता है ना, वो पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बुद्धा बुद्धा वाला होता है ना वो पुलिस लोग इस्तेमाल करता है, जो कमल वाला होता है वो सब हम लोग खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी भी होता है। और ये जो बैत होता है ना, इसमें कुछ दवाई वगैरह भी होता है गाइस, कुछ कुछ दवाई होता है, मतलब किस चीज़ों में इस्तेमाल करता है ये नहीं पता, बस पता है दवाई। तो अभी खाना वगैरह बना लेता है, पूरा रात हो गया है। देखो पूरा फट गया है, लगता है गोबर से लिखना पड़ेगा। ये छोटा वाला बैत बोलता है, ये बड़ा वाला भी है लेकिन छोटा वाला है, तो छोटा वाला थोड़ा वो कड़वा होते हैं, बड़ा वाला थोड़ा मीठा होते हैं। मुझे तो ये वाला पसंद है, वो है ना मुझे पता है कि नहीं है? ओके उसके साथ खाएगा। मग गिर गया ना, गिर गया गिर गया। प्याज कटिंग, छोटा वाला बैत, बैत तो हो गया है, और अभी ये बनेगा सरसों का तेल, थोड़ा लुक कर बोला हाथ जलेगा संभल के।
नहीं तो आधा हिस्सा में ऑलरेडी खा लिया पानी है। इतना ज्यादा भूख लगा था गैस, अभी मोबाइल देख के ही मुझे पता चल गया है कि वीडियो बनाना था। पूरा खा के फिनिश हो गया है। देखो ना, अभी याद आया है मुझे वीडियो बनाना है करके। तो कोई नहीं गैस, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप लोग को खाना खाते समय ना। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना गैस। तो अभी तो मुझे ये वीडियो एडिटिंग भी करना है। ये वीडियो तो मेरा काला जाएगा, आज नहीं आएगा, काली आएगा। तो थोड़ा स्टॉप में रखूंगी वीडियो। प्रियंका का चैनल को मैं हाईजैक किया हूं। ये मेरा चैनल को हाईजैक किया बोल रहा है। हाँ किया तो है ना। तो हाईजैक करने से भी कहीं नहीं तक जितना पड़ेगा, मेरा ही फायदा है। है ना गाइस, मेरा ही फायदा है हाईजैक करने से भी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।